अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अब्दुल मालिक साइंस आर्म्स की जानिब से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। फ्रेंड्स, आज हमारे पास ये दो अदद 34 पिस्टल्स मौजूद हैं। दोस्तों, इनमें से एक जो है वो ओरिजिनल है और एक जो है वो फर्स्ट कॉपी है 34 चाइना की। तो बात करेंगे फ्रेंड्स, इन वेपन्स में हमें क्या क्या मिलता है और इनकी जो प्राइस है वो क्या है, यानी कि ओरिजिनल पिस्टल की प्राइस क्या है मार्केट में और जो फर्स्ट कॉपी होती है और जो नॉर्मल होता है उसकी प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो वेपन मौजूद है दोस्तों, ये ओरिजिनल है, यानी कि ये चाइना का ओरिजिनल 34 पिस्टल है। और जो सेकंड नंबर पे हमारे पास पिस्टल मौजूद है, ये जो है ये फर्स्ट कॉपी है जो कि मेड इन पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये बनी हुई है। और ये जो है ये ओरिजिनल चाइना का पिस्टल है। तो दोस्तों, बात करेंगे इनमें क्या क्या चीज़ कॉमन है और क्या चीज़ इनमें जो है वो डिफरेंट है और इनकी प्राइस में कितना फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं ओरिजिनल की बात करूँगा दोस्तों, इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों, ये जो पिस्टल्स हैं ये 7 शॉट्स पिस्टल्स हैं दोनों। दोस्तों, जो ओरिजिनल पिस्टल होता है वो देखने में जो है वो काफ़ी ख़ूबसूरत होता है और इसकी फिनिशिंग जो है वो देसी जो होता है, यानी लोकल जो होता है, उससे काफ़ी बेहतर होती है। और इसका जो चलन होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है बनिस्बत जो यहाँ पे बनते हैं लोकल पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आप जब भी कोई वेपन अपने हाथ में लेंगे तो आप उसकी जो है वो मैगज़ीन बाय निकाल के देखेंगे कि हमारा वेपन बिल्कुल ख़ाली है। तो आप देख सकते हैं इसकी मैगज़ीन बिल्कुल ख़ाली है। उसके बाद हम दोस्तों इसका चैम्बर चेक करेंगे, तो चैम्बर भी दोस्तों इस पिस्टल का जो है वो बिल्कुल ख़ाली है। तो फ्रेंड्स, इनमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट नहीं होती, तकरीबन जो कॉपी करते हैं उसको भी सेम इसके मुताबिक बनाया जाता है। लेकिन जो समझ वाले लोग होते हैं वो देखते ही पहचान जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये ओरिजिनल है या फर्स्ट कॉपी है। तो थोड़ा इसको हम दोस्तों इसको वैसे ही हम चला के देखेंगे कि इसकी स्लाइड का जो चलना है वो कैसा है। तो काफ़ी स्मूथ है दोस्तों, इसका जो स्लाइड है वो काफ़ी स्मूथ जो है वो चलता है। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देखने में काफ़ी ख़ूबसूरत लग रहा है और इसकी जो फिनिशिंग क्वालिटी है बनिस्बत इसके काफ़ी बेहतर है। तो इसमें दोस्तों जो है मुकम्मल इसमें जो है वो स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुकाबले में जो 9mm के पिस्टल्स होते हैं दोस्तों, उनमें जो रिसीवर होता है उसमें अक्सर ज़्यादातर जो वेपन्स होते हैं उनमें एलुमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि 34 के अंदर यहाँ पे भी हमें स्टील का इस्तेमाल मिलता है और इसकी स्लाइड भी जो है, मतलब ये मुकम्मल जो पिस्टल है ये हमें स्टील में मिलता है। और ये जो होते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इसका वेट नहीं होता, लोग इसको इसी वजह से पसंद करते हैं कि ये जो पिस्टल होते हैं ये काफ़ी लाइट वेट होते हैं और आप इनको ईज़िली अपने साथ कैरी कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स फर्स्ट कॉपी के बारे में। तो दोस्तों, देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, इनमें कोई इतना ख़ासा फ़र्क नहीं होता। अब ये जो इसके सामने इसके साथ जो पिस्टल पड़ा हुआ है ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई नया बंदा इसको देखेगा तो वो नहीं पहचान सकेगा कि इनमें से ओरिजिनल कौन सा है और जो है फर्स्ट कॉपी कौन सी है। तो दोस्तों, ये इनमें तकरीबन जो मटेरियल है वो सेम इस्तेमाल किया जाता है। इसके जो ग्रिप्स हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी हमें प्लास्टिक के जो हैं वो ग्रिप्स मिल जाते हैं। मैगज़ीन्स की बात करें तो दो मैगज़ीन्स हमें इसकी फ़र्स्ट कॉपी के साथ भी मिल जाती हैं और ओरिजिनल के साथ भी मिल जाती हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, इसकी बैरल की बात करें तो इसमें भी अच्छी क्वालिटी की बैरल का इस्तेमाल किया जाता है और ओरिजिनल की बैरल तो होती ही अच्छी क्वालिटी की है, लेकिन जो इसकी फ़र्स्ट कॉपी होती है इसमें भी बैरल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की बैरल इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं इनकी प्राइस के बारे में। तो ये जो
पिस्टल है दोस्तों, यूज़ में आपको तकरीबन 60 से ऊपर मिलेगा, 60 से 90 तक ये आपको मिल सकता है, वो इसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। और जबकि ये जो हमारे पास इसकी फ़र्स्ट कॉपी मौजूद है, ये हमें तकरीबन मार्केट में सबसे अच्छा जो वेपन होता है वो 35 से 40,000 तक ये हमें मार्केट में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पिस्टल होता है फर्स्ट कॉपी, ये भी बेहतरीन चलता है, यानी आप इसको अपने पास रख सकते हैं, ये चलने में इसके बिल्कुल बराबर चलता है। बस ये है कि ये ओरिजिनल है और ये फर्स्ट कॉपी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।